बंदी सुल्क बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंदी सुल्क बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज स्थानीय जिला व नगर इकाई के पदाधिकारी एकत्र हुए और मंडी शुल्क पुनः लागू किए जाने पर विरोध जताते हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन पर डटे रहे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के रूप में शहर व जिले के व्यापारियों ने मंडी सचिव सुधीर सिंह को अपना मांग पत्र सौंपा और उस मांग पत्र में विविध मांगों को रखा है, जिसमें किसानों के आंदोलन वापसी के बाद पुनः मंडी शुल्क लागू किए जाने का विरोध जताया। साथ ही अपनी पुरानी मांग पर, जिसमें यह कहा गया था कि यूजर चार्ज के रूप में सिर्फ 0.5% व्यापारियों से शुल्क लिया जाए, उसको लागू किया। और उसके साथ साथ यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार मंडी समिति में ऑनलाइन किए जाने से और ज्यादा बढ़ेगा। मंडी समिति कार्यालय पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला यह मंडी शुल्क कतई वापस होना चाहिए। इसके अलावा निकट विधानसभा चुनाव में मंडी स्थल को अधिग्रहित किए जाने का जो परंपरागत कार्य होता है, उस पर भी व्यापारियों ने विरोध जताया है। सबका कहना था कि चुनाव के पहले व कई दिन बाद तक मंडियां बंद रहती हैं, जिसका व्यापारियों को सीधे सीधे नुकसान उठाना पड़ता है और इस तरह के नुकसान का कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। अतएव मंडी स्थल के अलावा कोई अन्य विस्तारिक स्थल चुनाव आयोग को अभी से प्रशासनिक स्तर से दिया जाना चाहिए, ताकि मौके पर व्यापारियों को पुनः कई दिनों तक अपना व्यापार ठप रखने के लिए मजबूर न होना पड़े। मंडी शुल्क के विरोध में आज पदाधिकारी और व्यापारियों ने कहा, पदाधिकारी और कार्यकर्ता ग्रुप में जो भी व्यापारी थे, सबने एक स्वर में कहा कि मंडी शुल्क वापस नहीं होता है तो हम अंतिम क्षण तक सड़कों पर उतरकर संघर्ष के लिए बाध्य रहेंगे।